ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2023-24 ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫੋਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। एप्लीकेंट हैव ऑबटेन 50% मार्क्स चाहिए ने तुहानू बैचलर डिग्री विच्चों। नंबर एक बैचलर डिग्री इहदा बेस है, लेकिन जिन्हां दे 50% जनरल कैटागरी लई है, जनरल कैटागरी दे 50% मार्क्स ने, और इहदे विच शामिल की है बैचलर डिग्री दे विच बी ए दे विच बी टैक इंजीनियरिंग ते टैक्नोलॉजी वाले बच्चे शामिल हैं। ए बी एड एंट्रेंस टैसट विच अपीयर हो सकते हैं। जेड़े इन्हां विच शेड्यूल्ड कास्ट ते बैकवर्ड क्लास नाल संबंध रखते कैंडीडेट हैं, उन्हां लई 5% रिलैक्सेशन है, उन्हां लई 45% चाहिए ने बैचलर ऑफ एजुकेशन विच। एक दूसरी प्रोविजन रखी हुंदी है, जेकर तुहाडे ए 50% जनरल कैटागरी दे मार्क्स ग्रैजुएशन चो नहीं बनते, इत्थे दस दिना हाँ, आम तौर पर मान लो इतने मैं लिखा ग्रैजुएशन, ओके ग्रैजुएशन च हो गई साड़ी जनरल कैटागरी, एक दूसरी हो गई एससी बीसी है ना। सो इन्हां नूं चाहिए ने 50% और इन्हां नूं चाहिए ने 45%। जेकर ग्रैजुएशन चो तुहाडे 50% जनरल कैटेगरी दे नहीं हन, इस तो घट हन, मान लो इहदे चो 1-2% राउंड करके भी नहीं बनते, तुसीं तुहाडे एग्जैक्ट 50% बनने चाहिए हन, और एससी बीसी कैटेगरी दे भी पूरे 45% बनने चाहिए हन। यह नहीं है कि 44.9 हन तां ओह एलिजिबल नहीं है, पर अच्छी गल ये है जे ग्रैजुएशन दे बेस दे तुसीं एलिजिबल नहीं हो तां तुसी पोस्ट ग्रैजुएशन दे बेस ते एलिजिबल हो सकते हो। मान लो ग्रैजुएशन चो तुहाडे ए मार्क्स इतों घट ने, ते पोस्ट ग्रैजुएशन चो तुहाडे इसे कैटेगरी दे बच्चे दे 50% तो प्लस है ना, जां 50% है जां प्लस है, तां तुसी एलिजिबल हो, घबराना नहीं है। ते जे एससी बीसी कैटेगरी नाल संबंध रखते हो ते 45 तो वध है तुहाडे मार्क्स, कहदे चो पोस्ट ग्रैजुएशन एम ए एम एस सी एम कॉम विचों वध है, तां वी तुसी एलिजिबल हो, ये इत्थे लिखिया गया है, दस्या गया है। अगली गल है कि जे तुहाडे डिग्री दे विच ग्रेड पॉइंट एवरेज हुई, ग्रेड दित्ते ने, ते उहनां नूं परसेंटेज विच कन्वर्ट कर लिया जाएगा। रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उहदे मुताबक होएगी। अगली इंपॉर्टेंट गल बहुत है कि जेडे एप्लीकेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामीनेशन, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे विद्यार्थी ने जेडे ग्रैजुएशन विच हजे ईवन एग्जाम चल रहे हैं वो दे रहे हैं, सो उन्हां लिए जरूरी है ये नोटिस ये अटेंड करना जरूरी है, एंट्रेंस टेस्ट विच भी अपीयर होना जरूरी है, और अपीयर हो सकते हैं। हूज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिकलेयर, हजे तो सैम मेरे ख्याल हाँ सिक्स्थ दे पेपर दे रहे हैं है ना, तो रिजल्ट कदों आएगा, रिजल्ट तो टाइम लगेगा, घबराना नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तुहाड़ी वेट की जाती है पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के जो काउंसलिंग प्रोसीजर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने करना है वो डेट एक्सटेंड हौली हौली कर दी जाएगी। तिना यूनिवर्सिटिया के ग्रैजुएशन के रिजल्ट आउट होने तो बाद ही ये किया जाता है, जेकर अजिहा ना किया गया तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ होर प्रोविजन होएगी, जे वो प्रोविजन होंदी है हो सकता है कि 5 semester दे मार्क्स ऐड करके उन्होंने तुहानू एडमिशन प्रोसीजर सारे शामिल कर लिया जाए तो लास्ट रिजल्ट तक तुसी एलिजिबल चाहिए हैं, पॉसिबल है। अच्छा दूसरा है कि नॉट डिकलेयर जिन्हों का नहीं होया, तीसरा है अपीयर इन कॉमन, वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच अपीयर हो सकते हैं जेडे ग्रैजुएशन दे 6th sem का पेपर हजे दे रहे हैं रिजल्ट नहीं आया। दे शैल बिकम एलिजिबल फॉर काउंसलिंग ओनली आफ्टर दे हैव प्रोड्यूस द एविडेंस हैविंग सैटिस्फाई एलिजिबिलिटी कंडीशन, ओके वो जी पिछे दसी है 50% वाली है ना, रिजर्व कैटेगरी भी 45% वाली, लास्ट प्रोसीजर तक वो तुहाडा रिजल्ट आ जाना चाहिए है, डरना नहीं है, ये एक्सटेंड डेट हो जाती होंगी है,
अदरवाइज एक्की ऑप्शन होर होएगी। द नैक्सट मोस्ट इंपॉर्टेंट गल जी है एप्लीकेशन हू हैव फॉल इन कैटेगरी ऑफ रिजल्ट, जिन्हों बच्चों का रिजल्ट तो आ गया है आर एल है जां री इवेलुएशन है भरी हुई जां उन्हां दे कंपार्टमेंट केस ने, अजिहे केसां विच साडे को 50% ते 45% जिहड़ी मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह कई बार पूरी नहीं हुंदी जां तुसीं मार्क्स वधाउण लई है ना ते कंपार्टमेंट तो तोड़नी ही है। अजिहे केसां विच वी तुसीं तुहाडे तुसीं बी एड एंट्रेंस टैसट लई फॉर्म फिल कर सकते हो, तुहानूं कंसीडर भी किया जाएगा। हाँ यह है लिखा होया कि कंसिडर इफ देयर रिजल्ट आर डिकलेयर बिफोर फाइनल काउंसलिंग, जो पहली काउंसलिंग होएगी उस तो बाद सैकेंड काउंसलिंग होएगी, सैकेंड काउंसलिंग के लास्ट एज तक तुहाडा रिजल्ट आ जाना चाहिए है। नॉर्मली पहली काउंसलिंग नूं लंबा टाइम लगता है, लास्ट काउंसलिंग जिहड़ी सैकेंड हुंदी है वह काउंसलिंग शॉर्ट पीरियड च हो जाती है, ओपन हुंदी है नहीं हुंदी यह गल वक्री है, हर वीडियो च दसदा हाँ पिछली बार ओपन नहीं हुई जिहनूं थर्ड काउंसलिंग कहिंदे है। सो इसलिए हर हालत विच रिजल्ट आया है, कंपार्टमेंट है, रीअपीयर है, इंप्रूवमेंट के पेपर दिते है, आर एल आया है, जे बी एड विच एडमिशन लेना चाहते हो तो एंट्रेंस टैसट दे दियो, तुहाडा जिहड़ा है पैसा भी बचेगा, एंट्रेंस टैसट दोगे तां तुहाडे साल भी बचेगा, मैनेजमेंट कोटे चों भी पैसे बचणगे और थोड़ी मेहनत कर लेंदे हो तो अच्छा कॉलेज अच्छा कॉम्बीनेशन तुहानू मिल जाएगा। किसी रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए होवे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, गाइडेंस जरूरी है, मैं कह रहा तुहानू कॉम्बीनेशन बारे जानना जरूरी है, ठीक है, बाकी दी फीस है या होर कोई आस्पेक्ट तुसी जानना है कमेंट बॉक्स लिखो, मैं उसका उत्तर देवांगा, जेकर कॉमन चीज़ हुई उसका वीडियो बना देवांगा। एंट्रेंस टैसट की तैयारी लई जिन्ना भी गाइड कर सकता हाँ गाइड करांगा, पर उस गाइडेंस तो पहला ही मेरे चैनल ते प्लेलिस्ट विच 2022 दियां 2023 विच वीडियो पईयां ने, प्रीवियस ईयर दे पेपर सॉल्व किए गए ने वो देख सकते हो। उस तो इलावा कोई एरिया डिफिकल्ट लगता है मैंने जरूर पूछो। थैंक यू, लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर धीरज सिंह।